नमस्कार सभी को, राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। देखिए, जो रिस्ट्रिक्शंस शनिवार शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू हुई थी वो बस अब कुछ ही देर यानी कि सुबह 6 बजे सोमवार तक हैं, और सोमवार सुबह 6 बजे के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है नॉन असेंशियल सर्विसेज भी नहीं रहेंगी, जो खास करके आज दुकानें बंद रहीं, काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है, लेकिन इस समय हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है। और मैं धन्यवाद करूंगा लोगों का जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। और इस समय इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी दर्शक इस समय जेके मीडिया देख रहे हैं, कि आप लोगों की वजह से ही जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अपना कोई भी डिसीजन जो आगे सही तरीके से उसको सुचारू तरीके से चलाना होता है उसमें लोगों की मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ख़ास करके जो व्यापारी लोग हैं मैं उनका धन्यवाद करूंगा, वेयर हाउस के व्यापारी, नेहरू मार्केट के व्यापारी, कनक मंडी के व्यापारी, रघुनाथ मार्केट के व्यापारी, गोल मार्केट अप्सा रोड के जितने भी व्यापारी हैं, राज तिलक रोड के जितने भी व्यापारी हैं, उन सबका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हुए उनको सपोर्ट किया और बंद को पूरी तरह से, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है। और जो शुक्रवार को जब हमारी बात अरुण गुप्ता जी से हुए, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी से बात की है, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केसेस में जिस तरह से अब एकदम से गिरावट आई है, केसेस कम हुए हैं, तो आप जो हैं आने वाले जो वीकेंड है उसमें रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइएगा। और लोगों से भी अपील की है कि जो रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं लगती हैं तो आप लोग पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करिए। आप अपनी दुकानों में रश मत डालिए, कोई दुकान में अगर बिना मास्क के आता है तो उसे एक मास्क दे दीजिए अपनी तरफ से। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहूँगा, अगर आप मास्क का चलान करते हैं तो मास्क के चलान के साथ अपने साथ एक मास्क का लिफाफा भी रखें, ताकि 500 रुपये के चलान के साथ 1 रुपये का मास्क भी उन्हें दिया जाए, ताकि उन लोगों को ये लगे कि भैया मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है। आप लोग अगर 500 रुपये का मास्क का चलान करते हैं तो कई बार आप नेक्स्ट टाइम भी उन लोगों को मिलोगे तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप 1 रुपये का उन्हें मास्क भी प्रदान कर दें, उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे दें मास्क का, तो वो इस शर्म से भी मास्क पहनेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव रहता है, जिसके अंदर मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू अंशुल गर्ग जी भी स्पेशल कैंप्स लगाएं मास्क बांटने के, सैनिटाइज़र बांटने के, क्योंकि इस समय हमारे पास काफ़ी सारे स्टॉक में एडमिनिस्ट्रेशन के पास सैनिटाइज़र है जो लोगों को बांटे जाने चाहिए हैं, और मास्क बांटे जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं इसके बिना बाहर ना निकलें। तो ये इस समय का अगर अपडेट की बात करें तो सोमवार सुबह 6 बजे यानी कि कल सुबह 6 बजे सभी तरह के जो सर्विसेज हैं वो चलेंगी, चाहे वो असेंशियल हैं चाहे वो नॉन असेंशियल हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि अभी फर्दर ऑर्डर्स क्या कहते हैं, अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है अगले वीकेंड के लिए कोई ऑर्डर नहीं निकालता तो फिर यही ऑर्डर आगे चलेंगे, अगर निकालते हैं तो उन ऑर्डरों में तब्दीली आएगी जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट द्वारा निकाला गया है वो गर्भवती महिलाओं के लिए निकाला गया है, कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो घरों से ही काम करेंगी, वर्क फ्रॉम होम, उन्हें फिजिकली अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो डिसेबल लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो भी अपने घरों से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, उनको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अच्छे डिसीजन हैं जिनमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के अच्छे डिसीजन ज़रूर लेती है ताकि अपने लोगों के बारे में सोचा जा सके। तो ये अब तक का अपडेट है, और कल सुबह लगभग 6 बजे से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। और ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी आज भी चल रहा था और शुक्रवार को भी चल रहा था, शनिवार को भी चल रहा था, तो वो तो एज इट इज़ चलेगा। लेकिन जो नॉन असेंशियल सर्विसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, जो बाधाएं थी, वो सोमवार सुबह 6 बजे से अब नहीं रहेंगी, यानी कि किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं। तो आप नॉन असेंशियल सर्विसेज को ईजीली इंजॉय कर सकते हैं, और जो लोग नॉन असेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, जो दुकानदार हैं, जो बाकी दफ्तरों में काम करते हैं, वो भी अपने तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करें। तो एक बार फिर से जनता का मैं धन्यवाद करूंगा, व्यापारियों का मैं धन्यवाद करूंगा, और दुकानदारों का मैं धन्यवाद करूंगा जो नॉन असेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, राम राम।